अब इसके खिलाफ ना सिर्फ आवाज उठा रहे हैं बल्कि उन लोगों के पास जाते हैं और उनको इस दलदल से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज पर भी दबाव पड़ा, जिस तरह से आपने भी देखा होगा कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां अपना मंशूर जारी करती हैं इसको सरफिरिस्त रखती हैं कि वो जब हुकूमत में आए तो जम्मू कश्मीर में इस मंशात के खात्मे के लिए वो काम करेंगे। आज भी इस पर बातचीत करेंगे, खास मेहमान हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, मुफ्ती अमीन रहीमी साहब है, सदर है शरिया बोर्ड लोलाब के और साथ ही साथ मुतमिम हैं उमुल कुरा ऑफ लोलाब दारुलूम के। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जब हम मंशात की बात करते हैं खासकर जम्मू कश्मीर में तो लगातार तादाद में जो हम इजाफा देख रहे हैं, क्या वजूहत है आपकी नज़र में, क्योंकि आप लोगों से मिलते जुलते हैं, आपकी नज़र में क्या इसके वजूहत हो सकते हैं? हाँ जी, असल में ये बहुत ही बड़ा मसला है कि इस वक्त जो मंशात के अंदर हमारे नौजवान लतपत हैं और उससे जुड़े हुए हैं और उस बुरी वबा के अंदर वो मुलव्वस हुए हैं, इसके अंदर वजूहत तो असल ये है कि असल में बहैसियत मुसलमान हमें ये देखना चाहिए, हदीस में है जनाब रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अर्रजुल अला दीन अखीही अर्रजुल अला दीन खलीली को मैं युखालिल, इंसान अपने दोस्त के अंदाज और दोस्त के मजहब पर हुआ करता है जी। दोस्त के मिजाज करता है, इंसान को चाहिए कि ऐसे आदमी को दोस्त बनाए जो बहुत ही अखलाक किरदार वाला हो और बहुत ही बेहतर इंसान हो, जो इस तरह की बुराइयों के अंदर मुलव्वस न हो। तो आजकल की जो दोस्तियां चल रही हैं इन दोस्तियों में असल में हमारे नौजवान लोग ऐसे लोगों के साथ और ऐसे जवानों के साथ राबता रखते हैं जो इस लत के अंदर मुलव्वस पहले से हैं और जिनको ये आदत लग गई है, तो इस तरह से फिर आहस्ता आहस्ता उनकी इस आदत में ये भी मुलव्वस हो जाता है और यकीनन एक दूसरे इंसान का दूसरे इंसान पर असर पड़ ही जाता है। नतीजतन जैसा वो आदमी बुरा हुआ करता है ऐसा ये भी बुरा हुआ जाता है जी। असल में हदीस में है कि इंसान को तन्हाई रहना चाहिए, तन्हा पसंद रहना चाहिए उस मौके पर जिस मौके पर इंसान को कोई बुरा आदमी मिले। तो इस मनशियात में इस वक्त नौजवान पूरे कश्मीर में लतपत हैं और इससे जुड़े हुए हैं, बड़ी वजह तो यही है इसकी कि असल में इनकी सही काउंसलिंग नहीं की जा रही है, उनकी सही तरबियत नहीं हो पा रही है वालदेन की तरफ से और दीगर जुम्मा और जिम्मेदारों की तरफ से, और साथ साथ में उनकी बड़ी गलती ये हुआ करती है कि वो असल में अपने मुस्तकबिल को नहीं देख रहे हैं। इस मनशियात के अंदर जो मुबतला हो जाता है उसका मुस्तकबिल हर एतबार से बर्बाद और तबाह हो जाता है, सेहत के एतबार से यकीनन उनकी सेहत मुतासर हो जाती है, बर्बाद और तबाह हो जाता है और साथ साथ में उनके जहन उनकी सोच और उनके फिक्र पर भी बुरे असरात मरतब होते हैं। इन नशे आवर चीज़ों के ज़रिए से जिस तरह इंसान की जिस्मानी सेहत मुतासर हो जाती है, रूहानी परवाज़ भी उन महदूद हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, न वो फिक्र न वो जहन न वो सोच न वो याददाश्त और न वो अखलाक किरदार जो इंसान को होना चाहिए इंसानियत के एतबार से वो भी उसके अंदर मौजूद नहीं रहता है। तो पूरा समझो एक इंसान की जहन पर भी इंसान की सेहत पर भी असरअंदाज हो जाता है, इसलिए इस मनशियात से जवानों को चाहिए कि मिन कुल्लिल वुजूह इंसान इससे दूर रहे, अलग रहे, थलग रहे। नशावर चीज़ों के साथ इंसान जब जुड़ जाता है फिर इस बुरी आदत से वापस आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और ये उम्र खबाइस है, यानी तमाम बुराइयों की जड़ यही नशावर चीज़ें हैं। इंसान फिर बुरे से बुरातर हो जाता है। रिवायत में आया है कि एक औरत ने अपने सामने छुरी रखी और उसके साथ एक बच्चा रखा और अपने आप को भी पेश किया, तो एक आदमी सामने आया उसे कहा कि तुम चीज़ों में कोई एक चीज़ कर ले, या तो मुझे ज़बह कर ले, या तो इस बच्चे को ज़बह कर ले, या मुझे ज़बह मेरे साथ बदकारी कर ले, या इस छुरी के साथ अपने आप को ख़त्म कर ले। तो बहरहाल वह इंसान जब उस मौके पर उसने सोचा कि बेहतर है कि जो शराब की बोतल है मैं इसको ले लूं, बच्चा था, शराब की बोतल थी और ये खुद औरत वहाँ मौजूद थी, तो तीन चीज़ों में से उनको इख्तियार दिया गया कि आप या तो शराब की बोतल पी लें, या तो आप इस बच्चे को ज़बह कर लें, या मेरे साथ बदकारी कर लें। तो उन्होंने कहा इनमें से हल्का काम है शराब पीना, बदकारी से भी बचूंगा और साथ साथ में और उस बुरी आदत से उस बुरे काम से भी बचूंगा कत्ल से भी। तो उसने शराब पी ली, शराब पीने के बाद जब इनके होश बाख्ता हो गए, होश ख़त्म हो गए और उनके दिमाग पर गहरा असर बुराई का, तो उसने वहाँ छुरी मौजूद थी उसी के जरिए से बच्चे को कत्ल कर दिया
और इस दौर के अंदर बदकारी कर दी और इसके दौर के अंदर इस तरह का वाकया मिलता है। इसलिए फरमाया गया है कि ये नशावर चीज़ें जो हैं ये तमाम बुराइयों की जड़ और बुनियाद है। जब इन नशावर चीज़ से इंसान बच जाता है बहुत हद तक इंसान की ज़िंदगी महफूज रहती है। लेकिन मुफ्ती साहब, मुआशरे के अंदर ये जो बढ़ता हुआ रुझान है मंशियात का, इसका तदराको या सदबाब क्या है? ये सारी बातें आपने जो बताई हैं ये हैं, हम सब के सामने हो रही हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम ये सब देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, मैं, हमारी पूरी सोसाइटी दाएं बाएं अपने देख रही है, मुशाहिदा कर रही है, लेकिन सदबाब क्या है? चीज़ें कैसे ठीक करें? हम वालिदैन को इसके लिए ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं कि पहली गलती उनकी ये है कि वो अपने बच्चों पर नजर नहीं रखते, क्या चीजें यहीं लाकर खत्म कर दें, ये हमारे सवाल का जवाब मिलना चाहिए, या फिर ये कि हम इसके लिए कोशिश करें, अमली तौर पर जमीन पर उतरें, उन लोगों से मुलाकातों का सिलसिला शुरू करें जो इसमें फंसे हुए हैं? हाँ बिल्कुल, इस सिलसिले में असल में पहले नंबर पर उनके वालदेन होते हैं, उनके सरपरस्तान होते हैं, वो उनकी फिक्रें करें, लेकिन वो भी अपनी मिकदार तक जो भी फिक्रें करती हैं उसके अलावा भी फिक्रों की जरूरत है। मुआशी तौर पर जो माशरती तौर पर जो जिम्मेदार हुआ करता है, मोहल्ला कमेटी हुआ करती है, मस्जिद कमेटियाँ हुआ करती हैं, और बाअसर शख्सियात हर बसी, हर शहर, हर करिया में हुआ करते हैं। इन बाअसर शख्सियात को भी चाहिए कि वो इस तरह की फिक्रें करें माशरे को बेहतर बनाने में और इस बुरी आदत को ख़त्म करने में। वो इन जवानों से रबता रखें और इनसे बात करें, इनको नरमी के साथ समझाएं, इनके बुरे असरात के बारे में उनको मुत्तला करें और उनको अच्छी तरीके पर। मुफ्ती साहब, इन तमाम लोगों का जिनका आप नाम ले रहे हैं, क्या ये आपकी भी जिम्मेदारी नहीं है कि मकामी सतह पर इन तमाम के साथ राबता करें? क्योंकि एक अहम तरीन बोर्ड के आप सीनियर रुकन हैं और बहसियत इमाम या बहसियत एक जिम्मेदार शहरी, मकामी सतह पर जो बासर शख्सियात हैं, मैं तो उनमें आपको भी शामिल कर रहा हूँ, मारूफ आलम दिन है, शायद आपसे शुरुआत होनी चाहिए इस बात की, इन तमाम लोगों को पर्टिकुलरली उस एरिया में जहां पर आपका सबसे ज्यादा असर रसूख है। जी, हमारा ये मनसब फर्ज, ये हमारा फरीजा बनता है और हमारी जिम्मेदारी भी बनता है। मैं अपने आप को इस पर लाजिम समझता हूं और अपना फर्ज समझता हूं कि मैं अपनी जात के एतबार से फिलहाल और अपने बोर्ड की तरफ से भी इंशाल्लाह शुरू किया हुआ है पहले से ही, अलविस के अंदर और ज्यादा तेजी लाई जाएगी इंशाल्लाह, जवानों से रब्ता करके और इस तरह के मुतासर अफराद से रब्ता करके इस बुरी असरात को दूर करने की फिक्र करें। हमारी मसाजिद हुआ करती है और खतीब हुआ करते हैं, उनसे भी रब्ता किया जाएगा, वो भी अपने बयानात में और अपने इजलासों में इस तरह के मौजू पर तफसील से बयान करें। और साथ साथ में हमारी जिम्मेदारी के साथ साथ बाकी जो हमारे जुड़े हुए उलमाए किराम हैं और जे असर शख्सियात हैं, तालीम याफ्ता तबका है, मजमू तौर हम सब के फ़र्ज़ बनता है, जिम्मेदारी बनती है इस तरह के रोकथाम के लिए हम कोशिश करें। वैसे भी हुकूमती सतह पर भी इस तरह की बहुत सारी कोशिशें की गई हैं, खासकर इन लेकिन नाकाम साबित हुई हैं, उसके आदाद शुमार हम साथ साथ लोगों को बता भी रहे हैं। मुफ्ती रहीमी साहब, आज जुमतुल मुबारक का दिन है, आज ये हम तवक्को करें कि आज इस अज्म का यादा किया जाए कि आज आप शुमाली कश्मीर से शुरुआत करेंगे और शाम होते होते हम मानेंगे कि आज मुफ्ती साहब ने काम किया जो वादा सुबह किया था, दिन में या शाम होते होते, और तमाम उन मुतलकीन को, उन जिम्मेदारान को जो आपके बोर्ड के हिस्से हैं, जमात से जुड़े हैं, दाएं बाएं लोग हैं, मजलिसों का, तकरीब का हिस्सा बनते हैं, शुरुआत आज से ही कर दी जाए इस मुकद्दस दिन पर। बिल्कुल, आज ही से शुरुआत कर दी जाएगी, आज मुकद्दस दिन है, जुमा का दिन है, मौका मिलेगा आज जुमा पर हर एक साथी को, हर एक बोर्ड के मेंबर को बयान करने का, उनको भी बता दिया जाएगा। और मैं अपने जात के एतबार से जहां भी हूं, मैं जरूर इसी पर, आज इसी अनवान पर बात करेंगे जुमा के मौके पर, आज ही से शुरुआत करेंगे इंशाल्लाह, ऐसा यार पक्का ठीक है। अब एक और चीज, चूंकि आपके आप बोर्ड के सीनियर रुकन हैं, सदर हैं शरिया बोर्ड के एक मुतलका इलाके के अंदर, ये जो आज के वक्त में फलाही इदारे काम करते हैं, गैर सरकारी तंजीमें करते हैं, काम करती हैं, काफ़ी ज़्यादा फंड्स इकट्ठे होती हैं, काफ़ी चंदा जमा होता है, बाकी कामों पर ठीक है, अच्छी जगहों पर इस्तेमाल होता है, लेकिन क्या आपको ज़ाती तौर पर नहीं लगता कि इस पैसे को अब वक्त आ गया है कि इस्तेमाल उस जगह किया जाए जहाँ से हमारी नस्लें तबाह हो रही हैं, जड़ें काटी जा रही हैं, और आज के वक्त में बाकी सब चीज़ों से, फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में, उज़्बेकिस्तान में क्या हो रहा है, वहां पर पैसा भेजने के बजाय अपने घर के अंदर ये अहद किया जाए कि मैं यहीं इस्तेमाल करूं, और जो लोग इस वक्त सख्त परेशान है, इलाज के लिए कोई सहूलत नहीं है, ये पैसा उन तंजीमों ने, उन इदारों ने अगर तरजीहात में शामिल करें तो यहां इस्तेमाल कर सकती है। हाँ, इसमें भी वो इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि तकरीबन
2023 के मार्च का एक रिपोर्ट है, बीबीसी का रिपोर्ट है, वो कह रहे हैं कि हर 12 मिनट के बाद कश्मीर के अंदर एक ऐसा पेशेंट हॉस्पिटल में दाखिल होता है कि जो इस बीमारी मनुष्य के अंदर मुलव्वस हुआ करता है। लिहाजा जब इतनी ज्यादा तादाद में है, लाखों तादाद में है जवान लड़के और जवान लड़कियां, तो हमारे फंड जो जमा हो रहे हैं जो रिफाए आम के लिए इमदाद की शक्ल में एक आम फंड जमा किया जाता है, इस तरह फलाई तंजीमें हैं, बाकी इदारे हैं, उनको भी चाहिए कि इस सिलसिले में अगर उनका भी फंड खर्च हो जाए और इस बिदत से ये उम्मत निकल जाए, ये जवान निकल जाए, मेरे ख्याल में उनको इस तरह का कदम उठाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, मिली तौर पर भी करनी चाहिए या किया है या करना होगा। ये तीन मुख्तलिफ चीजें हैं, क्या हम एक सतह पर नाकाम नहीं हो सके हैं? बहसीते सिविल सोसाइटी या मुआशरा में आप हम सब जिम्मेदारी के साथ इस बात को कबूल करें कि इस कैंपेन, दूसरी बात है सेमिनार्स में भी हम जाते हैं, वॉक्स में जाते हैं, रैलियों में जाते हैं, झंडे उठाकर भागते हैं, बड़े जोश व जज्बे के साथ, वलवले के साथ तकरीब हम करते हैं, लेकिन जब बात काम करने की आए तो क्या हम ये अब एतराफ न कर लें कि हम इस पूरे मुआशरे में इस पॉइंट पर काम करने में ये जो मंशियात वाला है बहसियत मुआशरा हम नाकाम साबित हो गए हैं? बज़ाहिर तो ऐसा ही लग रहा है, जिस तरह आए रोज वाकयात सामने आते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं कि इतने ज्यादा लोग जो हैं इसके अंदर मुलव्वस हैं, पकड़े जाते हैं, तो बज़ाहिर लग रहा है कि अभी हमारी मेहनतें उतनी ज्यादा सरगर्म नहीं हुई हैं, अभी कामयाबी की पहली सीढ़ी पर भी हम नहीं आए हैं। बिल्कुल, बहरहाल कामयाबी की पहली सीढ़ी पर न होने का मतलब है हम नाकामी अभी तक है। एक चीज मैं आपके नोटिस में लाना चाहूंगा, आपके बोर्ड के, आपके जिम्मेदारान के, और मुझे उम्मीद है कि उस पर भी आज ही से तवज्जो दी जाए। हम एक डेटा साथ साथ बता रहे हैं कि एक दिन में कश्मीर वादी के अंदर सिर्फ हेरोइन का इस्तेमाल करने के लिए 33,000 सिरिंजों का इस्तेमाल होता है। अब ये सिरिंजें कहां से आती हैं? मेडिकल शॉप से आती हैं, जो बड़ी आसानी से दस्तयाब होती हैं। मैं इस प्रोग्राम में आखिर में आपसे ये तवक्को करूंगा कि आज, चूंकि आपने वादा किया आज इस मुहिम को आप अपने लेवल पर शुरू करेंगे, आज खुतबा भी होगा तो इसी मौजू पर होगा, इसी उनवान से होगा, खास तौर से जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है उन पर भी एक दबाव बनाएं, मेडिकल शॉप्स पर जो एसोसिएशंस हैं, फार्मासिस्ट पर, उन पर एक दबाव बनाएं अपने लेवल पर कि जो भी गैर जरूरी तौर पर आपके पास सिरिंज खरीदने के लिए आता है उसको सिरिंज देने से मना किया जाए और बाज़ाब्ता प्रिस्क्रिप्शन हो, मरीज कौन है, कहाँ से है, किस मकसद से सिरिंज चाहिए ये पूछ कर दुकान से उसको सिरिंज और बाकी अद्वियात फराहम की जानी चाहिए। बहुत ही आम बात आपने बताई है, बोर जिसकी तरफ तवज्जो बिल्कुल नहीं जाता है, यकीनन ऐसे सिरिंज जो उनको मुयसर होती हैं तो इन्हीं मेडिकल दुकानों से, इसलिए चाहिए कि उनको भी कि इस तरह की तहकीकात पहले करें, मालूम कर लें कि सिरिंज कहाँ इस्तेमाल होंगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि इंसान मजबूर है कि इसी की फरोख्त की करने के जरिए से अपना अपना वो बनाए, अपना खर्चा निकाले, लेकिन इसमें सोचना चाहिए कि इनको भी हमारी सिरिंज कहीं गलत यूज़ तो नहीं हो रहे हैं, बहुत ही फिक्रमंदी की जरूरत है इस बारे में भी। नहीं, मैं इसमें भी मैं, उनका हम, रोल बनता हम, है, मैं और जहूर पर उम्मीद है कि आज खास तौर से मुतलकीन के साथ, फार्मासिस्ट के साथ, तमाम लोगों के साथ अपने इलाके में जरूर इस पर आप मुशावरत करेंगे, एक दबाव बनाएंगे अपने लेवल पर। जरूर बनाएंगे, दबाव भी बनाएंगे, मुशावरे भी करेंगे और कोशिश करेंगे, इस सिलसिले में जो भी मुमकिन हो जाए तो इंशाल्लाह ऐसी कोशिश जारी हो जाएगी। मुफ्ती बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए और इस अहम मौजू पर अपनी बात रखने के लिए। मुफ्ती अमीर रहीमी साहब हमारे साथ थे, लोलाब से इनका ताल्लुक है और बहुत सारी खिदमात लोलाब और कुपवारा में भी इनकी है और इस मामले के हवाले से उन्होंने आज अपनी बात रखी। आगे बढ़ते हैं।